हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक डिफरेंट स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि हर किसी को पसंद होता है फेशियल करवाएं तो स्किन ग्लो करे, स्किन पॉलिश ऐसी हो जिसमें स्किन ग्लो करे, मेकअप ऐसा करें हमारी स्किन ग्लो करे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्लो के लिए स्प्रे बना रही हूँ, सेटिंग स्प्रे जिसको कहते हैं, जो हम मेकअप में लास्ट पे करते हैं, कुछ बेस बनाने के दरमियान साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाना बता रही हूँ, जो कि शाइनिंग वाला होगा, आपकी बेस मैट भी होगी। जब आप इस स्प्रे को यूज़ करेंगे तो उस आपकी बेस में ग्लो आना शुरू हो जाएगा, शाइनिंग वाली बेस आपकी बन जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए रोज़ वाटर, ठीक है, ये हमारे पास सर के गुलाब है। इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल और ये है मेरे पास ग्लिसरीन, और साथ में ये वेलवेटी शेड्स हैं, आप इनको शाइनर कह लें, वेलवेटी शेड कह लें, ठीक है। ये हर तरह का इसमें कलर है, शिमरी शेड्स हैं। बनाना कुछ इस तरह इसको होता है कि आपने अगर ये एक बोतल ली है, ये जितना इसमें होता है ना रोज़ वाटर उतना ही है, ठीक है। ये रोज़ वाटर की एक बोतल इसमें लेनी है, इतनी सी आपने इसमें आपने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल शामिल करनी है हमने। अगर आपका रोज़ वाटर इससे कम है, हाफ बोतल है, तो आप हाफ टी स्पून उससे भी कम फिर जेल डाल लीजिएगा। ये देखें, ये पूरी बोतल में मैं सिर्फ इतना सा डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, ये 1 टीस्पून तो हो गया होगा तकरीबन। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 कतरे ग्लिसरीन के, ये सिर्फ आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको भी 1 टीस्पून चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर ज़रा ग्रीसी ग्रीसी ज़्यादा ना हो जाए। पहले एक दफ़ा इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह शेक करेंगे, फिर हम इसके बाद इसमें ये देखें, जिन्होंने ये देखें, जिनको शाइनिंग वाली नहीं चाहिए ना, तो ये इतना भी आपका सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे बन गया। लेकिन हम चूँकि ग्लो चाहते हैं हर चीज़ में, तो हमें चाहिए शाइनिंग वाला सेटिंग स्प्रे। तो अब हम इसको शाइनिंग वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, ये शिमरी शेड्स हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आप इसको कौन से कलर में बनाना चाहते हैं। ये देखें, इसमें ये पिंक सा शेड है, ये भी पिंक है, ये स्किन सा जैसे शेड होता है, ये गोल्डन है, ये भी लाइट गोल्डन है, ये सिल्वर है। आप लोगों ने अगर सिर्फ पिंक टोन में ही बनानी हो तो आप इसमें पिंक ही डालेंगे शिमरी शेड, ठीक है। मैं पिंक नहीं डाल रही, मैं ये लाइट सा गोल्डन है ये डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा साथ में गोल्डन की शेड है, लेकिन ये स्किन सा शेड है, आपको समझ आ रही होगी, जैसे नेचुरल शेड होती है हमारी स्किन की वैसा है। और थोड़ा सा मैं इसमें सिल्वर मिक्स कर रही हूँ, मैं कागज़ पेस्ट्री डाल रही हूँ, डायरेक्ट बोतल में ये अच्छी तरह नहीं डाला जाना था। ये देखें, इनको इस तरह पकड़ लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसमें जो है ना ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल में हो, अगर इसमें दाने वगैरह होंगे तो वो फिर जल्दी से पानी में हल नहीं होते। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये देखें पाउडर सा बन गया। अब हम इसको इसमें डालेंगे, इस तरह उठाएंगे और आराम से ये एकदम से बहुत जल्दी ये हल नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लेता है इसमें मिक्स होने का, कोई 10-15 मिनट, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें हल हो जाएगा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा अभी इसमें हल नहीं हो रहा। ये 2-3 मिनट रखने के बाद ये देखें, अभी मैं इसको करूँगी भी शेक, तो इतनी जल्दी इसने हल नहीं होना। आप लोग भी जब बनाएं तो परेशान ना हो कि ये इसमें मिक्स क्यों नहीं हो रहा, ये 10 से 15 मिनट बाद मिक्स अच्छी तरह हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप और भी साथ दे देती हूँ,
अगर आप लोगों से ऐसे मिक्स ना हो तो आप ऐसा कर लीजिए, इसकी थोड़ी सी मिकदार एक वन टीस्पून अरके गुलाब या वन टेबलस्पून अरके गुलाब अलग से किसी बाउल में डाल के उसमें एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, ये सारा जो है शिमरी शेड्स भी सब कुछ डाल के उसको फोक के साथ या किसी अच्छे ब्रश के साथ, स्किन पॉलिश वाले ब्रश, ब्लीच ब्रश से उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके इतने से मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लें शिमरी शेड को, ताकि फिर इसमें टाइम ना लेगा। जब वो उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर आप इसमें डाल लीजिएगा, तो आपकी ज़बरदस्त सेटिंग स्प्रे रेडी है। ये देखें, ये अभी मिक्स नहीं हुआ, मैं आपको इसको किसी मेकअप में यूज़ करके किसी दिन आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी क्योंकि वीडियो का टाइम इतना लंबा नहीं मैं करना चाहती, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते हैं, लेंथ जो वीडियो होती है उसको बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए मैं वीडियो उतनी ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, आराम से आप लोग देख लिया करें। तो ये आपका शाइनिंग वाला सेटिंग स्प्रे रेडी हो गया, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।